हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक कहानी के द्वारा हैंडराइटिंग एनालिसिस सीखने वाले। तो कहानी ऐसे है कि एक बच्चा बाहर खेल रहा था, वो खेलते खेलते उसका खिलौना टूट गया। और जैसे उसका खिलौना टूटा, उसने वो खिलौना उठाया और अपने पापा के पास लेके गया और पापा को बोला कि पापा पापा ये खिलौना हमको जोड़ के दे दो। तो पापा उस समय न्यूज चैनल देख रहे थे, न्यूज देखते समय वो थोड़ा सा उनको तकलीफ हुआ और उन्होंने बोला कि बेटा थोड़ा रुक जाओ, मैं न्यूज चैनल देख रहा हूँ, जैसे मेरा ये न्यूज का देखने का काम खत्म होता है उस समय पे आना, मैं तुमको ठीक करके दे दूंगा। तो बच्चा चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस बच्चा टूटा हुआ खिलौना लेके पापा के पास आया और बोला कि पापा पापा ये मुझको जोड़ के दो। तो पापा ने देखा और बोला कि देखो बेटा, मैंने तुमको बोला है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं न्यूज चैनल देख रहा हूँ और जैसे मेरा न्यूज चैनल देखने का काम खत्म होगा, मैं तुमको ये जोड़ के दे दूंगा। और ऐसे ही वो वापस चला गया बच्चा। थोड़ी देर बाद वापस वो टूटा हुआ खिलौना लेके वो बच्चा पापा के पास आया, बोला पापा पापा मेरा ये टूटा हुआ खिलौना जोड़ के दो। उस समय पापा बड़ी ही जोर की आवाज में चिल्लाए और बोले कि तुमको समझता नहीं, मैंने तुमको कहा है मैं ठीक करके दूंगा, मतलब दूंगा, तुम का घड़ी घड़ी बार बार यहाँ पे आके मेरे को परेशान कर रहे हो। ऐसा बोल के उन्होंने बच्चे के हाथ से खिलौना लिया और दूर फेंक दिया। अब बच्चे ने वो खिलौना उठाया, वापस बाहर खेलने गया। अब बच्चे को उन्हें वापस ये ख्याल आया कि अभी मैं जाके पापा के पास जाके ये खिलौना मैं ठीक करवा लूंगा। लेकिन जैसे वो खिलौना लेके वो मुड़ा, उसको पापा की दी हुई ट्रीटमेंट याद आई और उसने डिसाइड किया कि इसके बाद मैं पापा के पास नहीं जाऊंगा। तो बच्चों, अगर आप इस नजरिए से देखो कि वो बच्चे के मन में क्या आया रहेगा, तो आपको समझेगा कि न्यूज चैनल ये बहुत ही छोटी चीज है या किसी भी तरह का अहमियत ना रखने वाली चीज है उस बच्चे के मन में। टेक्निकली कोई भी जीते कोई भी हारे, दुनिया में किसी भी कोने में कुछ भी हो, इसका आपके लाइफ में बहुत ही कम या कई बार तो कुछ भी असर नहीं गिरता। स्पेशली आजकल जो न्यूज चैनल पे चलता है वो देख के तो किसी का कुछ भी भला नहीं होता, ना ही किसी का बुरा होता है। तो बच्चे के मन में तो उस न्यूज चैनल को लेके किसी भी तरह का कुछ वैल्यू नहीं है, और उस चीज को लेके आपने उसका काम नहीं किया या उस पापा ने उस बच्चे का काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में ये बात आ गई कि उसको जो सपोर्ट चाहिए था उसके पेरेंट्स से, जो सपोर्ट चाहिए था उसकी वजह से, वो उसको नहीं मिला। अब ये बच्चे ने माइंडसेट बना लिया कि जब भी उसको मदद की जरूरत चाहिए, अब ये मदद के लिए अपने वो पेरेंट्स के पास नहीं जाएगा। और अब ये बच्चा अपने ओरिजिन से, अपनी शुरुआत से दूर चलना चालू कर देगा। इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग लेफ्ट मार्जिन। आप अगर ये बाजू वाले पिक्चर में देखो तो आपको दिखेगा कि इस राइटर ने लिखते लिखते वो जहां से उसने चालू किया था वहां से वो दूर जा रहा है। इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका लेफ्ट मार्जिन ये ड्रिफ्टिंग होता है, बड़े इंडिविजुअलिस्टिक लोग रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका खुद का सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट हो, और ये लोग अपने रूट्स और अपने ओरिजिन से दूर चले जाते हैं, दूर जाके काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जब भी आपके हैंडराइटिंग में या किसी भी आदमी के हैंडराइटिंग में ये ड्रिफ्टिंग लेफ्ट मार्जिन आता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये इंसान अपने रूट्स और अपने ओरिजिन से दूर जाके काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।